देखो इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करने वाला हूँ किया की करेंस वर्सेस XUV700O, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा, वरना आगे जाकर कमेंट में कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये कैसा कंपेरिजन वीडियो बना दिया। आपको बताना चाहूंगा किया की करेंस एक MPV कार होने वाली है, लेकिन इसका जो स्टाइलिंग है वो काफी ज्यादा SUV कार की तरह ही रखा गया है, हालांकि ये खुद किया ने कन्फर्म किया है। इसके अलावा महिंद्रा की XUV700O एक 7-सीटर SUV कार है, लेकिन दोनों ही कारों के अंदर हमें 6-सीटर और 7-सीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि करें इनके प्राइसिंग के लिए रुक जाए या फिर महिंद्रा XUV700O को अभी बुक कर ले। XUV700O के ऊपर बहुत ही लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है। अगर आप XUV700O को अभी बुक करते हो तो आपको ये तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन किया करें लॉन्च होने के बाद वो डेफिनेटली आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किया की करें XUV700O को मात दे पाती है या फिर नहीं। सबसे पहले हम डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। किया करेंस की लंथ है 4,540 mm की, जो कि XUV700O के मुकाबले 155 mm कम है। इसके अलावा करेन की विड्थ है 1,800 mm की, जो कि XUV700O के मुकाबले 90 mm कम है। इसके अलावा इसकी हाइट है 1,700 mm की, जो कि XUV700O के मुकाबले 55 mm कम है। तो यहाँ पर लेंथ के मामले में, विड्थ के मामले में और हाइट के मामले में XUV700O थोड़ी सी बड़ी है। वही अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो करेंस के अंदर 2,780 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। इसके अलावा XUV700O के अंदर आपको 2,750 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर व्हील बेस का फर्क आपको इंटीरियर में देखने को मिल जाएगा, तो इंटीरियर वाला पार्ट आप बिल्कुल भी मिस आउट मत कर देना। वही अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो करेंस के अंदर 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा और XUV700O के अंदर आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। वही अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो किया की करेंस के अंदर 3 इंजन ऑप्शंस दिए जाएंगे, 2 पेट्रोल और 1 डीजल, लेकिन XUV700O के अंदर 1 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल इंजन दिया जाता है, और दोनों ही इंजन की पावर आउटपुट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू किया की करेन। तो यहाँ पर इंजन स्पेसिफिकेशंस के मामले में और डायमेंशंस के मामले में XUV700O जीत जाती है। वही अगर मैं इंटीरियर फीचर्स की बात करूँ तो XUV700O के अंदर काफ़ी बढ़िया फीचर्स ऑफर करे जाते हैं, और पर्सनली मुझे XUV700O का इंटीरियर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसका डैशबोर्ड, इसके अलावा डैशबोर्ड के ऊपर ड्यूल कनेक्टेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेगमेंट का सबसे बड़ा पैनोरामिक सनरूफ XUV700O के अंदर ऑफर किया जाता है, तो इनकी मदद से XUV700O एक प्रीमियम SUV कार की तरह ही दिखती है इंटीरियर से। वही अगर मैं करेंस की बात करूँ तो इसके अंदर भी अच्छे खासे फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, जैसे कि अब इसके अंदर आपको नया थीम मिलने वाला है इंटीरियर में। इसका डैशबोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रखा हुआ है। 10.25 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर ऑफर किया जाएगा, जो कि सेल्टोस के अंदर दिया जाता है, सोनेट के अंदर दिया जाता है, लेकिन इसका डिज़ाइन टोटली चेंज किया है। इसके अलावा फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको मिलने वाला है, और अच्छे खासे फीचर्स करेंस के अंदर ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो कि आपको XUV700O के अंदर मिलेंगे, वो फीचर्स मिसिंग है करेंस से। तो यहाँ पर आपको बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा XUV700O के अंदर, लेकिन करेंस के अंदर आपको छोटा सा इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगा। इसके अलावा XUV700O के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगा, लेकिन यहाँ पर करेंस के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं मिलेगा, और 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन XUV700O के अंदर दिया जाता है वो मिसिंग है करेंस के अंदर से। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा दोनों ही कारों के अंदर आपको 6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा, और करेन के सेकेंड रो के ऊपर आपको एक टेबल मिलेगा जो कि मिसिंग है XUV700O से। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो आपको दोनों ही कारों के इंटीरियर में देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर XUV700O के थर्ड रो के ऊपर आपको अच्छी खासी स्पेसिंग मिलेगी, 2 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं XUV700O के थर्ड रो के ऊपर। यहाँ पर किया करेन के अंदर आपको व्हील बेस थोड़ा सा बड़ा मिलने वाला है, तो डेफिनेटली इसके थर्ड रो के ऊपर भी 2 एडल्ट्स आराम से बैठ सकेंगे। हालांकि सेगमेंट की जो बाकी कार्स है, जैसे कि अल्काजर हो गई, इसके अलावा हेक्टर प्लस हो गई, इनके थर्ड रो के ऊपर इतनी ज्यादा स्पेसिंग नहीं मिलती। इनके थर्ड रो के ऊपर सिर्फ 2 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर XUV700O के अंदर इसके अलावा करेंस के अंदर ये चीजें नहीं होगी, 2 एडल्ट को बैठने में सफिशियंट स्पेस मिल जाएगी। तो ये इंटीरियर फीचर्स आपके सामने हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे XUV700O के अंदर, कुछ फीचर मिसिंग है करेंस से।
एक्सटीरियर लुक की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही कारों का जो एक्सटीरियर लुक है काफ़ी ज़्यादा बोल्ड रखा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग भी है। यहाँ पर XUV700 का एक्सटीरियर लुक पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका फ्रंट फीचर भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और XUV700 रियर से दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। अगर दोनों ही कारों को साइड बाई साइड खड़ा किया जाए तो यहाँ पर XUV700 थोड़ी सी बड़ी दिखेगी क्योंकि उसके डायमेंशन ऑब्वियसली थोड़े से बड़े हैं एज कम्पेयर टू करेंस। अगर मैं लाइटिंग सेटअप की बात करूँ तो दोनों ही कारों के अंदर अट्रैक्टिव लाइटिंग सेटअप दिया जाता है। दोनों ही कारों के अंदर आपको LED DRL मिलेगा, LED हेडलाइट का सेटअप मिलने वाला है और LED फॉगलाइट का सेटअप दोनों ही कारों के अंदर ऑफर किया जाता है। साइड प्रोफाइल से दोनों ही कारें बढ़िया लगती है, लेकिन यहाँ पर किया करेंस के अंदर आपको अच्छा खासा स्लोपिंग रूफ लाइन मिलेगा और किया करेंस के अंदर 16 inches के डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाएंगे, लेकिन XUV700 के अंदर आपको 17 और 18 inches के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। किया करेंस के डोर हैंडल के ऊपर आपको क्रोम फिनिशिंग मिलेगी जो कि मिसिंग है XUV700 से। इसके अलावा रियर फीशा की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही कारें रियर से दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर लुक दोनों ही कारों का ज़बरदस्त है। यहाँ पर कुछ लोगों को XUV700 का एक्सटीरियर लुक अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को किया करेंस का एक्सटीरियर लुक अच्छा लग सकता है। आपको किसका लुक अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है सेफ्टी फीचर्स। हालांकि दोनों ही कारों के अंदर आपको अच्छे से सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के तौर पर किया की करेंस के अंदर 6 एयरबैग्स मिलेंगे, यानी सभी मॉडल्स के अंदर 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाएंगे, चाहे वो बेस मॉडल हो चाहे वो टॉप मॉडल हो। इसके अलावा सभी टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाएंगे, हील असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये सभी फीचर्स एज अ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे आपको किया की करेंस के अंदर। वही XUV700 के अंदर 2 एयरबैग्स दिए जाएंगे एज अ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स। इसके अलावा ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर और बाकी के फीचर्स आपको एज अ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट XUV700 का ये है कि इसके अंदर ADAS टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। रिसेंटली XUV700 का क्रैश टेस्ट किया गया जिसके तहत XUV700 को 5-star रेटिंग्स भी हासिल हुए है। तो यहाँ पर सेफ्टी के हिसाब से XUV700 जीत जाती है। इसके अलावा इंटीरियर फीचर्स और एक्सटीरियर लुक के मामले में भी ये बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है। इसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे XUV700 के लिए। अगर किया कंपनी करेंस को MPV सेगमेंट में उतारती है तो इसकी कीमत 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, या फिर इसको SUV सेगमेंट में उतारा जाता है तो इसकी कीमत 14 या फिर 15 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। ये तो आने वाला समय बताएगा। जब इसको लॉन्च किया जाएगा तब इसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। तो यहाँ पर बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में। मेरे हिसाब से यहाँ पर XUV700 क्लियर विनर है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आपको इन दोनों कारों में से कौन सी कार सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।